हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। तो भाई कैसे हो आप लोग? आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना पा रहा हूँ, वीडियो को अपलोड कर पा रहा हूँ। यार इसके पीछे बहुत ही वैलिड रीजन है कि इतनी देर क्यों हो रही है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम आते हैं अपने टॉपिक पर जो तुमने मुझे पहले 2 महीने पहले ही दे दिया था। तो हमारा टॉपिक है हनुमान जी वर्सेस वन अबव ऑल। तो फाइनली 2 महीने बाद इस पर वीडियो आ चुकी है, तो आज हम देख ही लेते हैं कि भाई कौन माइका लाल है जो हनुमान जी को हराने की सोचता है। तो वैसे तो वीडियो का टाइटल है हनुमान भगवान वर्सेस वन अबव ऑल, लेकिन मैंने इसमें सारे एमसीयू और डीसीयू के सबसे मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर को भी कंसिडर कर लिया है, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं छूटना चाहिए जो कि बाद में तुम ऐसे कहो कि भाई ये छूट गया और ये हनुमान जी को हरा सकता। और अगर यहाँ पे कोई मार्वल का अंधा फैन है तो भाई लास्ट तक रुकना, क्योंकि तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ नया मिलने वाला है। तुम लोग अगर मेरी पहले से वीडियोस देखते आ रहे हो तो तुम लोगों ने यार एक ही बात पाई होगी कि भाई हनुमान भगवान से कोई भी नहीं जीत सकता है। लेकिन यार मैं हनुमान भगवान को वन अबव ऑल एंड दी प्रेजेंट से कंपेयर करना भूल गया था या फिर वो रह गया था, जिसके वजह से बहुत लोग ये बोल सकते हैं या सोच सकते हैं कि भाई ये लोग हनुमान भगवान को हरा सकते हैं, इसलिए भाई ने इनको कंपेयर नहीं करा। बहुत लोग मेरे से ये बोलते हैं कि भाई तुम क्या कर रहे हो, हनुमान भगवान जो कि गॉड इनको कॉमिक कैरेक्टर से कंपेयर कर रहे हो। तो भाई देख, आज से 2 साल पहले ना मैं जब गॉड ऑफ थंडर की बात करता था ना, तो मेरे कमेंट्स में थॉर 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 का नाम आता था। यहाँ पर कोई भी नहीं जानता था कि भाई गॉड ऑफ थंडर रियल लाइफ में इंद्रदेव है। और अगर यार मेरी वीडियो से ना कोई भी जान पा रहा है कि भाई एक्चुअल में गॉड गॉड होते हैं और कॉमिक कॉमिक होती है, तो यार मैं ये काम करते रहना चाहता हूँ। और ये वीडियो उनके लिए भी है कि भाई जो हनुमान भगवान को कॉमिक कैरेक्टर से कम आंकता है। Wake up to reality. हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं। तुम दाता का मतलब जानते हो? और कोई भी आदमी किसी भी चीज को तभी दे पाता है जब उसके पास वो एक्स्ट्रा हो। मान लो मेरे पास बहुत सारी कॉमिक बुक है लेकिन सेम टाइप की, तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझसे कोई मांगे तो मैं उसको कॉमिक बुक दे दूंगा, क्योंकि यार मेरे को तो सेम कंटेंट एक ही बुक में मिल जाने वाला है। लेकिन हनुमान जी के केस में बुक देने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर अष्ट सिद्धि, सिद्धि मतलब कि सुपर पावर्स देने की बात हो रही है। मतलब तुम ये सोच लो कि भाई एमसीयू एंड डीसीयू में जितने भी सुपर पावर्स वाले सुपर हीरो हैं, उनके पास जो भी सुपर पावर्स है वो हनुमान जी ने ही दी है। तुम लोग धाम का मतलब जानते हो? वो जगह जहाँ पर कोई भी चीज एक्सेस मात्रा में होती है, तो हनुमान जी अतुलित बल के धाम है। ये नॉर्मल बल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है अतुलित बल की। तुमने सुपरमैन मूवी देखी होगी भाई, इसमें वो कितना ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन तब भी वो किसी को पावर दे नहीं सकता, क्योंकि अगर उसने दे दी, ट्रांसफर कर दी, तो वो खुद उतना पावरफुल नहीं रह जाएगा। लेकिन भाई हनुमान जी के केस में ऐसा नहीं होता है, हनुमान जी की जो सच्ची भक्ति करता है हनुमान जी, उसे सुपर पावर्स दे देते हैं। और अगर तुम न्यूज देख रहे होगे तो भाई तुमने अभी पता लगाया होगा कि भाई अभी सबसे ज्यादा करंटली न्यूज में बागेश्वर धाम बाबा चल रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि भाई उनको हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त है, और बहुत सारे न्यूज चैनल वाले उनको फेक साबित करने के पीछे लगे पड़े हैं, लेकिन अभी तक कोई भी उन्हें गलत साबित नहीं कर पाया। तो देखा भाई, हनुमान जी सुपर पावर्स रियल लाइफ में है, लेकिन ऐसा कॉमिक में नहीं होता है। ठीक है, कॉमिक में बस किताबों तक ही पावर सीमित रहती है और तुम्हारी सोच तक। तो मेरी एडवाइस तुम्हारे लिए ये रहने वाले कि भाई अगर तुम कोई भी कॉमिक कैरेक्टर के फैन हो तो यार अभी क्या अभी छोड़ दो और हनुमान जी की सच्ची भक्ति करने लग जाओ, तो तुम्हें भी सुपर पावर्स मिल जाएगी। और इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी कॉमिक फैन ये मत बोल देना कि भाई हनुमान जी को कोई भी हरा सकता है। तुम यार कभी भी कोई भी वीडियो देखना ना, तो तुम्हें बस तुम्हें एक रिजल्ट डिसाइड कर लेना कि भाई हनुमान जी ही जीतने वाले हैं, चाहे वो बोले या ना बोले, लेकिन तुम्हारे मन में ये रिजल्ट बन जाना चाहिए। जो मेरी बात से एग्री है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और भाई वीडियो लेट आने के लिए सॉरी यारो, क्या है ना मैं पढ़ाई के बोझ से दब चुका हूं। जितनी जल्दी से लड़की से ब्रेकअप होता है ना, उतने समय में तो हमारे मिडसेम आ जाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्द से जल्द वीडियो ला सकूं। और तुम लोग जिस भी टॉपिक वीडियो चाहते हो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, और जिसके टॉपिक को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे ना, मैं उसकी वीडियो को पेपर छोड़ के भी बनाने आ जाऊंगा। मजाक कर रहा हूं। तो मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।